नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे रवे से उपमा, जो खाने में टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। इसे हम बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे। आप चाहें तो इसके अंदर प्याज और हरी सब्जियों को भी डालकर बना सकते हैं। प्रवासी के देसी रेसिपी को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप सूजी। मैंने सूजी को भून कर रखा है इस तरीके से। हल्की सी सूजी को अगर हम भून कर रख लेते हैं तो 3 से 4 महीने तक सूजी हमारी खराब नहीं होती। तो मैंने इसे पहले से ही भून करके रखा है। और इसके अंदर तड़का लगाने के लिए मैंने लिया है आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच काली सरसों के दाने, हरी धनिया कटी हुई 1 चम्मच, आधा चम्मच मैंने चने की दाल लिया है और आधा चम्मच उड़द की दाल, करी पत्ता, 8 से 10 कलियां हमने काजू के ले लिए हैं। आप इसकी जगह मूंगफली के दाने भी ले सकते हैं और कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं इसके अंदर। 2 बड़ा चम्मच हमने देसी घी लिया है, आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक हमें स्वाद अनुसार लेना है और 1 नींबू का रस हमने लिया है, 1 चम्मच हमने चाट मसाला लिया है और हमने 2 लाल मिर्च लिया है, इसे भी हम तड़के में डालेंगे। पानी हम आवश्यकता अनुसार डालेंगे। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और गैस को मैंने ऑन कर दिया है। हल्का सा सूजी को हम भून लेंगे। सूजी हमारी पहले से भुनी हुई है लेकिन थोड़ा सा इसे हम भूनेंगे। इसे बराबर चलाते हुए हमें आज को तेज नहीं रखना है, मीडियम से स्लो ही रखना है और इसे बराबर चलाते हुए हल्का सा भून लेना है। मैंने सूजी को 1 मिनट तक भून लिया है क्योंकि मैंने पहले से ही सूजी को भून कर रखा था। अगर आपकी सूजी भुनी हुई नहीं है तो उसे इस तरीके से कलर चेंज होने तक भूनना है, जिससे सूजी हमारी कच्ची न रह जाए और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। और सूजी हमें थोड़ी सी मोटे दाने वाली लेनी है, छोटी वाली सूजी नहीं लेनी है क्योंकि हमें इसे पानी डालकर पकाना है, नहीं तो वो चिपक जाएगा और बड़ी सूजी रहेगी तो इसके अलग अलग दाने खाने में अच्छे लगेंगे। तो गैस को बंद कर देते हैं और सूजी निकाल लेते हैं। रवे को मैंने कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है, वापस मैंने कढ़ाई गैस पर रख दिया है। अब हम इसके अंदर घी डाल देंगे, इसे गर्म होने देंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर जीरा और सरसों के दाने डाल देंगे, इसे हल्का से ब्राउन होने देंगे। और अब हम इसके अंदर चना दाल और उड़द की दाल भी डालेंगे और इसके साथ ही इसमें एक करी पत्ता भी डालेंगे, लाल मिर्च, जो मैंने 2 लाल मिर्च रखी थी इसे मैंने बीच से तोड़ लिया है, इसे भी डालेंगे और इसे हम हल्का से ब्राउन होने तक भूनेंगे। और अब हम इसके अंदर काजू भी डाल देंगे हल्का सा, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे धीमी आंच पर। इन सारी चीज़ों को हमें फ्राई करना है। और ये तड़का हमारा भूनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। तो जिस कप से मैंने सूजी लिया है उस कप से इसके अंदर हम पानी डालेंगे। तो 1 कप हमारी सूजी है तो 2 कप इसमें अगर हम पानी डाल देंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। और इसके साथ ही इसमें हम नमक डाल देते हैं, तो 1/2 चम्मच नमक इसके अंदर मैंने डाल दिया है, इसे मिला देंगे। पानी हमारा अच्छी तरीके से उबलने लगा है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर सूजी डालेंगे। तो पहले हम आंच को धीमा कर देंगे और सूजी को डालेंगे और इसे डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से हमें चला लेना है, इससे इसमें लम्स ना पड़े। धीमी आंच पर इसे अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेते हैं। इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके साथ ही इसमें हम ये चाट मसाला डालेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें। इसमें डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसका। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़े थोड़े मसाले भी डाल सकते हैं लेकिन इतने में ही बहुत टेस्टी लगता है ये। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर नींबू का रस डाल देंगे, जो मैंने 1 नींबू का रस निकाल करके रखा है, इसे इसके अंदर डालेंगे और थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक भून लेंगे। और हमारा उपमा बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। यह नाश्ता खाने में टेस्टी भी लगता है और हेल्दी भी होता है। आप किसी भी टाइम इसे बनाकर खा सकते हैं, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, या फिर इसे बनाकर बच्चों की लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो इसे हम एक कटोरी में निकालेंगे
और इस तरीके से इसे हल्का सा दबाते हुए इसमें हम भरेंगे। मैंने इसे कटोरी में निकाल लिया है और हल्का सा इसे दबा दिया है। और मैंने एक प्लेट लिया है, इसके अंदर इसे हम इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से कटोरी को हम बाहर निकालेंगे। इसे हम हरी धनिया से गार्निश कर देते हैं और हमारा बहुत ही पौष्टिक और टेस्टी उपमा बनकर तैयार हो गया है। आप इस तरीके से उपमा बनाइए, सभी को घर में बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने कमेंट हमें ज़रूर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।